भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पेटीएम वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला गया। बता दें आपको कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 341 रनों का लक्ष्य रखा और ऑस्ट्रेलिया को समेटने में भारतीय टीम पूरे तरीके से कामयाब रही। बड़ी बात यह है कि पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा जीता था और आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। खास बात यह रही कि भारतीय टीम की तरफ से शुरुआत भी अच्छी रही और भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन भी अच्छा किया, लेकिन ऐसा लगा कि भारतीय टीम 15 से 20 रन शॉर्ट हो गई। जवाब में गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम को ऐसा लग रहा था कि ये लक्ष्य जो थोड़ा सा कम है। स्टीव स्मिथ जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, वॉर्नर जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और फिंच जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 341 का स्कोर भेदने में पूरी तरीके से कामयाब होगी, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पूरे तरीके से समेट दिया। 304 पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को समेट दिया और ये लक्ष्य जो है ऑस्ट्रेलिया का जो सपना था उसको भेदने में कामयाब रही भारतीय टीम। भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो आज भारत ने 5 गेंदबाज खिलाए थे जिसमें जसप्रीत बुमराह को आखिरकार विकेट मिली। जसप्रीत बुमराह ने 10वें ओवर में 32 रन देकर पहला विकेट हासिल किया। मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में 77 रन देकर 3 विकेट झटके। नवदीप सैनी ने 10 ओवर में 62 रन देकर 2 विकेट झटके। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 58 रन देकर 2 विकेट झटके। कुलदीप यादव आज का मैच काट रहेंगे जिन्होंने स्टीव स्मिथ का विकेट झटका और उसके बाद एलेक्स कैरी जो डेंजरस लग रहे थे उनका भी विकेट झटका है। बड़ी बात यह भी रही कि जिस तरीके से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट के मैदान में वापसी की है, ये बात तो तय है कि बैंगलोर वनडे में भारतीय टीम की जीत या हार अब भारतीय गेंदबाज ही तय करेंगे। जो बेहतर ड्रिफ्ट कराएगा वो ही ये सीरीज जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ा झटका ये भी माना जा रहा है क्योंकि शिखर धवन चोटिल थे, वो मैदान पर नहीं आए थे। उसके बाद रोहित शर्मा भी मैदान पर चोटिल हो गए, उनके कंधे में चोट बताई जा रही है। अभी चोट कितनी गंभीर है ये बात तो फिलहाल बताई नहीं जा सकती, लेकिन फिलहाल ये बात तो तय है कि अब डिसाइडर जो है वो बेंगलुरु में 19 तारीख को खेला जाना है भारतीय टीम के लिए। जिस तरीके से अभी तक सभी बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया है, दो इन फॉर्म बल्लेबाजों का बाहर जाना भारत को एक बड़ा झटका दे सकता है। हालांकि राहुल और विराट दोनों शानदार फॉर्म में है। विराट ने 76 गेंदों में 78 रन बनाए, वहीं राहुल ने 52 गेंदों में 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली 5 नंबर पर आते हुए, और ऋषभ पंत के लिए एक बहुत बड़ा संकट केएल राहुल ने खड़ा कर दिया है। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।